तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में प्रशांत शाह जी के साथ हम बातचीत करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल पे। जैसे कि हमने कल आपके साथ डिस्कस किया था कि हम एडवांस एक्सेल की बेसिक टू एडवांस वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेसिक टू एडवांस में हम बात करेंगे आज आपके साथ फाइल मेनू बार की। कि फाइल मेनू बार हम मेनू के हिसाब से चल रहे हैं ताकि आपको आइडिया रहेगा कि आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है और आपका कोर्स कहां तक पहुंचा है, ठीक है। और मेनू के हिसाब से चलना ही सही रहता है, सिक्वेंस रहता है। तो फाइल मेनू बार के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले आपकी एक छोटी सी प्रॉब्लम कि आप एक्सेल हेल्प, जो मैंने कल बताया था कि किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आपको जानना है तो एक्सेल हेल्प के थ्रू जान सकते हैं, वो आपको निकालना नहीं आया, राइट? करेक्ट। तो सर उसके लिए दो चीज है, ऊपर आपको दिख रहा होगा आइकन का आइकन या फिर इस तरह का आइकन दिख रहा होगा टेल मी मोर का आइकन, इस पे क्लिक कर सकते हैं। या सबसे सिंपल अपना कीबोर्ड का F1 प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक्सेल हेल्प आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपके पास अगर लेटेस्ट वर्जन है जैसे कि 13, 16, 19 तो आपका हेल्प ऑनलाइन है, इसलिए इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए होगा। अच्छा, दूसरा आपके पास ऑफिस 2007 है तो जरूरत नहीं है, वहां ऑफलाइन भी हो जाता है। ठीक है, समझ गया। हम बात करते हैं फाइल मेनू बार की। फाइल, सबसे पहले हम एक बार आर्किटेक्चर को समझते हैं, हमारा एक्सेल का आर्किटेक्चर क्या है। देखिए एक्सेल है जैसे कि एक एक फाइल, जैसे ये अब दिख रहा है एक फाइल जनरेट होता है, एक फाइल जनरेट होता है। फाइल के अंदर में कई सारे शीट्स होते हैं और हर शीट्स, आप यहां से नया शीट प्लस पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं, हर शीट्स हमारे पास रो एंड कॉलम होते हैं। जैसे आपके पास रजिस्टर हुआ करता था, सेम उसी तरह से यहाँ पे खाने बने हुए हैं और हर एक एंट्री एक सेल के अंदर में हो। जैसे कि अगर मुझे कुछ टाइप करना है तो हमें यहाँ जाना होगा, मुझे नेम रखना होगा। अभी क्या है, अभी मेरा एडिट मोड में, एंट्री मोड में, अभी जो भी हम टाइप करेंगे वो हमारा A1 के अंदर सेव होगा। तो आपको अगर B1 पे करना है तो टैब प्रेस कीजिए या फिर एंटर प्रेस कीजिए, आप इस सेल से बाहर निकल जाएंगे, फिर दूसरे सेल पे क्लिक कीजिए और फिर यहाँ पे आप टाइप कीजिए, तीसरे पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप टाइप कीजिए। तो इस तरह से इसके अंदर आप टाइप कर सकते हैं डेटा कॉलम। अगर कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ ज्यादा ही लिख देते हैं तो हमें दिखता नहीं है, तो कॉलम को यहाँ से बड़ा करना होता है। तो कॉलम को बड़ा कैसे करते हैं, जो ABCD ऊपर दिख रहा है एक कॉलम नंबर होता है और यहाँ पे 1, 2, 3 होता है, तो जो A और B के बीच का जो बॉर्डर है उस पे जाते हैं आपका कर्सर चेंज हो जाएगा। तो चेंज हो गया, क्लिक करके आप उसको आगे की तरफ ड्रैग कर दीजिए। कॉलम होता है, कभी पता नहीं होता है कि कितना बड़ा कॉलम करना है ताकि सारे वैल्यूज दिख जाए, बस इस पर डबल क्लिक कीजिए, आपका ऑटो फिट हो जाता है। मतलब कॉलम में जितने भी वैल्यू होंगे उसको जितना साइज चाहिए होगा उतना साइज वो ऑटोमेटिक कर देगा, जस्ट डबल क्लिक। अब इसमें क्या क्या डाल सकते हैं, देखिए इसमें हर तरह के डेटा को डाला जा सकता है, वो टेक्स्ट हो सकता है जैसे कि मैंने यहाँ पे पूजा डाला, नंबर्स हो सकता है, डेट हो सकता है, जैसे डेट डालना है तो जैसे आप डेट डालने का तरीका सीख लीजिए, जैसे कि आज की डेट डालनी है तो सिस्टम दो तरह के होते हैं, और सिस्टम में डेट का जो फॉर्मेट होता है दो तरह का होता है, MMDDYY और DDMMYY। ये आपको यहां नीचे टाइम पे दिख जाएगा, टाइम पे दिख रहा है 12/9/2020। तो ये क्या है, MMDDYY, ये दिसंबर महीना 9 तारीख और 2020। तो इसी तरीके से आपको यहां पे डेट एंट्री करना है तो आपको महीना डालना होगा, स्लैश डालना होगा, 9 डालना होगा। करेंट ईयर है मतलब कि 2020 का ही डेट डाल रहे हैं तो स्लैश करके 2020 डालने की जरूरत नहीं है, एंटर मारते ही वो 2020 ऑटोमेटिक ले लेता है। बट फ्यूचर ईयर या प्रीवियस ईयर हुआ तो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ऐसे अगर टाइम एंट्री करना है आपको तो टाइम एंट्री करने के लिए मान लीजिए अभी का टाइम एंट्री करना है 6:43 तो 6:43 यहाँ पे AM PM डाल सकते हैं। अगर नहीं भी डालेंगे तो डायरेक्ट AM PM ही ले लेगा, AM ले लेगा। लेकिन अगर शाम की टाइमिंग डालनी है तो शुड भी यहाँ पे PM आपको डालना पड़ेगा। लेकिन कंफ्यूजन हो रही है तो सिंपल सा 24 आवर का मेथड अपनाइए कि शाम के 6 बजे जो होता है वो 18 बजते हैं, तो 18 बज के
20 मिनट्स डाल दीजिए, वो ऑटोमेटिकली ऊपर देखिए 6 में आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए दो चीजें होती है, डेटा विजुअल कुछ और होता है और दिख स्टोर कुछ और होता है। जैसे कि हम डेट ही डालें तो डेट विजुअल ही हो रहा है ना, बट यहाँ ऊपर में स्टोर ए हुआ है। ओके सर, ओके। तो विजुअल जो हो रहा है एक्चुअली वो है नहीं, वो फॉर्मेट कहलाता है, मतलब कि दिखाने का तरीका, बट एक्चुअल में जो वैल्यू होती है वो आपको यहाँ दिखती है, जिसको हम लोग फॉर्मूला बार कहते हैं। जैसे मान लीजिए ना आपको कैलकुलेशन करना है, मान लो यहाँ तो कुछ नंबर्स हैं, इन सबको जोड़ना है, तो जैसे कैलकुलेटर में जोड़ते हैं यहाँ भी जोड़ सकते हैं, बस आपको इक्वल प्रेस करना है, इसको सिलेक्ट करना है, प्लस इस पे क्लिक करना है, प्लस इस पे क्लिक करना है, एंटर मारते रिजल्ट 110 आ गया। इसका मतलब कि 110 इसकी वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू यहाँ है, G5 प्लस H5 प्लस I5, मतलब कि फॉर्मूला है। जैसे इक्वल लग गया समझ जाइए कि फॉर्मूला है। तो इसमें दो तरह की वैल्यू, एक वैल्यू डाल सकते हैं, हमने यहाँ पे जस्ट 65 डाल दिया है, इसका मतलब है कि 65 वैल्यू है, क्योंकि इसके ऊपर इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है। और इसमें इक्वल के साइन लगा हुआ है फॉर्मूला। दूसरी चीज, फॉर्मूला आपको G5 H5 समझ में नहीं आ रहा है कहां से है, जस्ट डबल क्लिक कीजिए, ये आपका पूरा हाईलाइट हो जाएगा, बताया कि इन तीनों से लिंक किया गया है, लिंक पता चल जाता है। तो यहाँ पे अपना डेटा एंट्री कर सकते हैं, जैसे आप रजिस्टर में एंट्री करते थे, हेडिंग बनाते थे, फिर उसके नीचे डेटा एंट्री करते थे, उसी तरीके से आप यहाँ भी एंट्री कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, एक्सेल जस्ट लाइक ए डिजिटल रजिस्टर। ओके, और दूसरी चीज, ये जो लाइनिंग दिख रही है इसको ग्रिड लाइन बोला जाता है, ये आपको जस्ट आपके लिए है कि आपको पता है कि कॉलम की बाउंड्री क्या है, ये प्रिंट में नहीं आता है। जैसे मान लीजिए इसको प्रिंट आपको करना है, तो फाइल मेनू बार में जाके आप जस्ट प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रिंट आएगा। देखिए आपको दिख रहा है, लाइनिंग नहीं दिख रहा है। तो अगर आपको लाइनिंग लाना है तो आपको फॉर्मेट अप्लाई करना पड़ेगा, कौन सा फॉर्मेट, बॉर्डर का। और कुछ भी अप्लाई करने से पहले जहां अप्लाई करना है वहां आपको सिलेक्ट करना है, जो कि कल की क्लास में समझाया था मैंने। तो एरिया पे क्लिक कीजिए, माउस पॉइंटर क्लिक करते हुए ले जाइए, सिलेक्ट हो जाएगा, और इसके ऊपर आप जो फॉर्मेट अप्लाई करना चाहे वो फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। आप जो फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं वो आपके प्रिंट में भी आएगा। बेसिक कंसेप्ट थी। अब हम अगर आर्किटेक्चर पे पढ़ रहे हैं तो हम चलिए फॉर्मूले के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए हर सेल का, हर एक सेल का अपना एड्रेस होता है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे कर्सर रखा हुआ है तो यहाँ पे आपको नेम बॉक्स में E9 दिख रहा है, मतलब E कॉलन एंड 9 नंबर रो E9। देखिए किसका, सेम सीट का, सीट टू, मतलब अभी हमारा एक्टिवेट कौन सा है, सामने विजुअल जो है वो सीट टू है, मतलब कि सीट टू का। जैसे मैं इक्वल प्रेस करके अगर किसी और सीट पे जाता हूं तो यहां पर देखिए क्या एड्रेस बन रहा है, प्रेस कीजिए तो यहां पे दिखेगा आपका सीट 1 C14। अगर आप डायरेक्ट C14 अगर डालते हैं तो इसी सेल का, इसी सीट का C14 लेता है, लेकिन अगर आप इक्वल करके सीट नेम के साथ डालते हैं तो डिफरेंट सीट का, और डिफरेंट फाइल में है तो डिफरेंट फाइल का पाथ लेता है। पाथ हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये चीज बताना जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक हेडिंग दिया और हेडिंग देने के बाद कुछ सेल्स के फिगर आउट आपने यहाँ पे डाल दिए, करके नीचे आने के लिए एंटर प्रेस कर रहा हूं। यहाँ पे मुझे 20 हर एक नंबर पे 20 ऐड करना है, ये लाखों हो सकता है, हर नंबर पे 20 ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे 20 ऐड करके मुझे यहाँ रिजल्ट चाहिए, तो जस्ट मान लो 20 हमारा एक्स्ट्रा चार्जेज है, तो इक्वल प्रेस किया हमने, इस पे क्लिक करके सेलेक्ट किया प्लस 20, एंटर प्रेस किया, रिजल्ट आ गया। अब मुझे बाकी सब में करना है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो ए 2 प्लस 20 आया, इसका मतलब क्या हुआ, A2 की वैल्यू प्लस 20। A2 क्या है, लोकेशन हो गया, एड्रेस हो गया। जैसे मैथमेटिक्स में x, z, y लेते थे ना, तो x प्लस y कर दिया, तो x की वैल्यू अगर ऊपर आपने डिफाइन अगर 20 कर रखा है तो नीचे 20 प्लस होगा। सेम उसी तरह से A2 इज द रेफरेंस, A कॉलन एंड 2 नंबर रो, अब उसमें हम प्लस 20 कर रहे हैं।
जैसे आप इसको ड्रैग करेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, तो नीचे जब आइएगा तो यहां आपका ए टू बी ए थ्री हो जा रहा है, और उसके नीचे आइएगा बी ए फोर हो जा रहा है। जितना कॉलम नीचे कॉपी पेस्ट कीजिएगा या ड्रैग कीजिएगा, उतना ही उसका सेल का एड्रेस इंक्रीज होगा, मतलब कि सामने वाले पे वैल्यू ले लेगा। तो जैसे कॉपी पेस्ट करते हैं ये इंक्रीज करता है, और एक बहुत ही अच्छी चीज है। मान लीजिए एग्जांपल में कि आपको ऐसा नहीं होता सब में A2 A2 रहता, तो आपको मैनुअली एक एक जाके इस पे सिलेक्ट करना होता, मल्टीप्लाई प्लस प्लस 20 करना पड़ता वन बाय वन, इस तरह से इस पे जाते इसको सिलेक्ट कर 20 करना पड़ता, तो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम होता आपका। बट यहाँ क्या है कि आपने एक पे लगाया और नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया, ये पूरा हो गया। लेकिन कहा जाता है ना, हर किसी की प्लस पॉइंट होता है, एक वीक पॉइंट भी होता है, नेगेटिव भी होता है। जैसे मैं यहाँ D1 के अंदर D कॉलन एंड 1 नंबर रो पे 20 ऐड कर दिया। अब मैं अगर चाहता हूं कि ये सारे सेल्स पे D1 की वैल्यू स्टोर हो, अब मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूं तो क्या होगा, यहाँ ए जो है A2 जो थे हमारा A2 और D1 है, A2 जो है A3 हुआ पर D1 D2 भी हो गया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे वैल्यू जिसको ऐड करना है, बट जिस जो ऐड करना है वो सिंगल है जो कि D1 पे रखा हुआ है। तो मुझे दो तरीके अपनाने पड़ेंगे, पहला कि मैं इसको भूल जाऊं और हम यहीं पे प्लस 20 कर दें, बट प्रॉब्लम होगा कि कल के डेट में अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे 90 कर दिया तो अगेन मुझे यहाँ चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये बार बार अपडेशन करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली नहीं रहेगा, डायनेमिक नहीं रहेगा। सो हम चाहते हैं कि ड्रैग भी हो जाए और इंक्रीज भी ना हो, तो उस केस में हमें अपने रेफरेंस को अब्सोल्यूट करना पड़ता है, फ्रीज करना पड़ता है या लॉक करना पड़ता है, कुछ भी कह लीजिए। कैसे करते हैं, डॉलर साइन लगा के कहां लगाते हैं, तो इस पर आपको डबल क्लिक करना है, सारा फॉर्मूला दिख जाएगा। मुझे वन को कंसिस्टेंट रखना है कि वन वन ही रहे, टू ना हो, तो वन के आगे हम डॉलर का साइन लगा देते हैं। मैं नीचे करूंगा तो मेरा A2 जो है A2 जो है A3 A4 बनेगा, बट D1 हमेशा फिक्स रहेगा, D1 हमेशा फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जो रहा हमने डॉलर के वन के आगे डॉलर लगाया है, तो हमने बताया था कि रेफरेंस में मतलब जो सेल एड्रेस होता है A1 A1, उसमें दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट जो होता है वो होता है आपके कॉलन का, और दूसरा पार्ट जो होता है वो आपका रो का होता है। तो हमने रो के आगे का डॉलर साइन लगाया, मतलब कि जब ऊपर से नीचे की तरफ हम ड्रैग करेंगे तो रो हमारा फिक्स रहेगा, बट मैं लेफ्ट टू राइट की तरफ गया तो आप देखेंगे ये हमारा D1 even हो गया। मुझे D1 even को फिक्स नहीं करना है, नहीं मैंने कि फिक्स रखना है, तो आप इसको अगेन डॉलर साइन D के आगे भी लगा सकते हैं, मतलब कि कॉलम नंबर नम कॉलम के करेक्टर के आगे भी लगा सकते हैं। तो अब क्या होगा कि मैं अगर कहीं भी ऊपर नीचे आगे पीछे ड्रैग करूं, मेरा D1 अटल रहेगा, खड़ा रहेगा सर, मतलब कि फिक्स रहेगा। प्रशांत जी समझ में आया? हाँ समझ गया। तो ये हमारा रेफरेंसिंग सिस्टम था। अब बात करते हैं फाइल मेनू की तरफ चलते हैं। फाइल मेनू बार में यहाँ हमारे पास फाइल के अंदर सेव होता है, फाइल मेनू बार में सेव होता है। तो एक चीज और मैं आप लोग आपको बताना चाहूंगा सर, कि फाइल मेनू बार में कुछ बेसिक चीजें भी होती है, कुछ एडवांस चीजें भी होती है, कुछ आपको पता भी होगा कुछ नहीं पता भी होगा, तो हम आपको बताते हैं। जैसे आप फाइल मेनू बार पे क्लिक करते हैं, सबसे पहला ऑप्शन आता है होम का, ये आपका लेटेस्ट में आता है, 2007 और 13 में नहीं आएगा। सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो आता है ब्लैंक वर्कबुक, जैसे आपको नया वर्कबुक लेना है, जैसे होता है ना आपका नया पेज लेना होता है तो आप जाते हैं रिम में से निकाल लेते हैं, उसी तरह से एक नया वर्कबुक ब्लैंक वर्कबुक देगा, उसका बाय डिफॉल्ट नाम है बुक 2 बुक 3 बुक 4 सीक्वेंस में जो होता है वो दे देगा, फिक्स नहीं, ये कभी भी कुछ भी दे सकता है।
तो ब्लैंक वर्ब। उसके अलावा आप यहां पे जो दिख रहा है ये आपके टेम्पलेट है जो आपने इससे पहले यूज किए। टेम्पलेट क्या होता है? बना बनाया फॉर्मेट होता है। जैसे फॉर्म होता है ना, आपका ये होता है कि आपको एक फॉर्म रिज्यूम आपको बनाना होता है, दूसरा कि सब कुछ रेडी है बस उसमें आपको फिल करना है। जैसे नेम की जगह पे नेम फिल कर दीजिए, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट फिल कर दीजिए, तो बने बनाए फॉर्मेट्स होते हैं। उसके बाद यहां हम न्यू, यहां पे नीचे जो आता है आपके रिसेंटली ओपन फाइल। जैसे आपने कोई फाइल इंटरनेट से डाउनलोड करके ओपन की है तो डाउनलोड में चली जाती है, या आपने कहीं पे फाइल सेव किया हुआ है आपको फाइल खोलना है तो आपको फोल्डर में जाके ढूंढने की जरूरत नहीं। आपने जो उसको रिसेंटली खोला है मैंने कि कुछ देर पहले या फिर उसके बाद कोई फाइल खोला नहीं, रात में बंद कर दिया खोल के सुबह कर रहे हो, तो आपको ये रिसेंटली वाले लिस्ट में दिख जाता है। बट इसमें भी एक पिन का आपको दिख रहा है। पिन क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई फाइल आपको बार बार खोलनी पड़ती है, जैसे मान लीजिए व्हाट्सएप वाली फाइल मुझे बार बार खोलनी पड़ती है, तो मैं क्या करूंगा इसको यहाँ पे पिन कर दूंगा। पिन करते ही एक पिन मेरे लिस्ट में चला जाएगा यहाँ। अब ये लिस्ट से हटेगा नहीं, ये आपका हट जाएगा क्योंकि रिसेंटली फाइल है। जैसे मान लीजिए 10 फाइलें आपने ओपन कर ली तो इसके जगह पे 10 फाइल आ जाएगा, बट पिन में आपका फिक्स रहेगा जब तक कि आपने इसको अनपिन करके हटाया नहीं। तो आपको कोई भी फाइल, पुरानी फाइल ओपन करनी है तो आप क्या करेंगे, होम में यहां रिसेंट में देखेंगे फाइल के नेम आपको मिल जाएगा, और या फिर आपने उसको पिन कर दिया है, बार बार ओपन करना पड़ता है, पिन कर दिया है तो पिन वाले सेक्शन में जाएंगे यहां दिख देंगे, या किसी ने आपको इंटरनेट पे भेजा है तो ऑटोमेटिकली शेयर वाले पे चला जाएगा। सारे फाइल हुआ है जो इंटरनेट से हमने डाउनलोड किया है, यानी मेल से डाउनलोड किया है, शेयर वाले सेशन से ऑटोमेटिक चला जाता है। अगला ऑप्शन आता है न्यू का। न्यू में क्या है? न्यू में आपके एक तो ब्लैंक वर्कबुक है और यहाँ पे बने बनाए फॉर्मेट है। जैसे मान लीजिए आप डेली यूज के लिए कैलेंडर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कैलेंडर सर्च करें, आपको कैलेंडर पे आ गया। मान लीजिए आपको इनवॉइस बनाना है तो यहाँ पे आप जाएंगे, इसे बिल लिख दिया और सर्च मारा तो यहाँ पे, लेकिन ऑनलाइन कलेक्टेड है, इंटरनेट होना चाहिए, आपको बिल के बहुत सारे फॉर्मेट आएगा। अब इसको सिलेक्ट करके डाउनलोड कीजिए और इसमें अपने चीजें को एडिट कर दीजिए। एडिट कीजिए और इसका इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है सर? यस, समझ गया। तो टेम्पलेट होता है। उसके बाद ओपन। अब देखिए होम में आपको यहाँ ओपन का कुछ मैंने रिसेंटली फाइल के ऑप्शंस मिले हैं, लेकिन ओपन में आपके सारे ऑप्शंस हैं। एक आपका फाइल लिस्ट है, जो जो फाइल आपने वो रिसेंटली ओपन किया है वो, और इसमें काफी ज्यादा लिस्ट मिलता है। मतलब कि आपको होम में अगर कोई फाइल का लिस्ट नहीं मिल रहा है तो आप ओपन पे जाइए, यहाँ आपको फाइल का लिस्ट मिल जाएगा। फाइल के साथ साथ आपको यहाँ पे फोल्डर का लिस्ट भी मिल जाएगा जो रिसेंटली आपने फोल्डर किया है। अदरवाइज मान लीजिए जो फाइल आप खोज रहे हो यहाँ पे नहीं है, देन यू कैन ब्राउज हियर एंड अपने लोकेशंस में डी ड्राइव, डेस्कटॉप, सी ड्राइव, बी ड्राइव, जहां जाना है वहां जाके उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। ओके, दैट इन्फो की बात करें तो इन्फो आपको फाइल की इंफॉर्मेशन देती है कि फाइल प्रोटेक्टेड है, कौन कौन से प्रोटेक्टेड है, उसका वर्जन हिस्ट्री क्या है वगैरह, इसकी साइज प्रॉपर्टीज वगैरह। देखिए यहाँ पे इसको फाइल किसने बनाया है वो सब यहाँ पे दिख जाता है। जैसे आपको कोई फाइल आपने बॉस ने भेजा और बॉस तारीफ कर रहा है, डिंगे हाँक रहा है कि हाँ देखो मैं कितना अच्छा फाइल बनाया हूँ फलना चिलना, आप देख सकते हो कि रियली इसने फाइल बनाया है या कोई किसी ने इसको दे दिया है, या फिर आपके किसी स्टूडेंट ने आपको, किसी आपके कलीग ने आपको फाइल भेजा है, आपने पूछा तुमने बनाया है, बोलता हाँ मैंने बनाया, तो आप जाके उसके ऑथर लिस्ट में चेक कर सकते हैं कि कौन कौन इस फाइल पे काम किया है, ऑथर लिस्ट में आपको दिख जाएगा, ठीक है? उसके बाद आपने जो फाइल काम किया है उसको सेव करना है, आपने जो फाइल पे काम किया है उसको सेव करना है, देन सेव पे क्लिक कीजिए। अगर इस फाइल को किसी और नाम से सेव करना है तो सेव एज पे, फर्स्ट टाइम तो ऑटोमेटिक सेव एज पे ही चला जाता है, यहाँ पे फाइल सेव कर सकते हैं आप, और यहाँ पे रिसेंटली जो फोल्डर लिस्ट है उस पर या फिर ब्राउज पे जाएं और अपना फाइल का नेम और यहाँ पे फाइल के टाइप। अब फाइल टाइप में ध्यान रखिएगा, अभी यहाँ पे दिख रहा है ना माइक्रो एनेबल वर्कबुक, अगर आप यहाँ बाई आप अपना फाइल देखेंगे, अपना एक्सेल एप्लीकेशन देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक आता है,
अब एक्सेल वर्कबुक में सारे फाइल मतलब एक्सेल वर्कबुक में इसका एक्सटेंशन हुआ डॉट एक्सएलएस एक्स। एक्सटेंशन से पता चलता है कि हर हर एक फाइल के आगे पीछे आपका एक्सटेंशन दिखता है, उससे पता चलता है कि किस एप्लीकेशन का फाइल है। नोट पैड है तो डॉट टी एक्स टी होगा, डॉक्यूमेंट है वर्ड की फाइल है डॉट जी ओ सी होगा, पेंट की फाइल है तो डॉट जे पी जी या पी एन जी होगा, वीडियो फाइल है तो डॉट एम पी फोर होगा या फिर ए वी आई होगा, ए वी डॉट ए वी आई। उसी तरह से एक्सेल फाइल का, तो ये जो एक्सेल फाइल होगा वो आपका एक्सेल डॉट एक्सएलएस एक्स पे सेव होता है। लेकिन ध्यान रखिए कि अगर किसी ने आपको अपना माइक्रो कंटेंट भेजा है, मतलब फाइल में माइक्रो लगाया और फिर आपको भेजा है, अगर उस फाइल को आपने एक्सेल वर्कबुक में सेव कर दिया तो सारे माइक्रो और सारे कोड लॉस्ट हो जाएंगे। माइक्रो वाली फाइल अगर आपको लगता है तो उसको हमेशा माइक्रो एनेबल वर्कबुक में ही सेव कीजिएगा, ठीक है सर? वरना आपके सारे फाइल उड़ जाएंगे। यहाँ पे फाइल लिस्ट वगैरह दे सकते हैं, बाकी पासवर्ड वगैरह है हम आगे क्लासेस में बताएंगे आपको। प्रिंट भी आपको हम आगे क्लासेस समझाएंगे, बट प्रिंट नॉर्मल यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। मैंने आप यहाँ पे मान लीजिए जो फाइल को प्रिंट करना हो उसको देख लीजिए और फिर यहाँ पे आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट पे जाइए, प्रिंट कर सकते, यहाँ से अपना प्रिंटर सेलेक्ट कीजिए और प्रिंटर सेलेक्ट करके देख लीजिए प्रिंटर ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, या फिर उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे आप जो है आपको माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ या फिर एक्सपीएस बुक आते हैं डॉक्यूमेंट राइटर, ये दोनों सेलेक्ट कर सकते, तो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन उससे पहले देख लीजिए व्यू कि आपका फाइल जो है बिल्कुल सही दिख रहा है या नहीं। ओके और बाकी पेज सेटिंग से तो आगे हम आपको तब बताएंगे। ठीक है, शेयर है, इसको आप वन ड्राइव में शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं, खास नहीं है। एक्सपोर्ट, इसको पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, सेव प्रिंट टू पीडीएफ दोनों एक ही है। पब्लिश, आपका पावर बी आई कनेक्टेड है तो डायरेक्ट पावर बी आई के सर्वर पे इस फाइल को अपलोड कर सकते हैं, क्लोज क्लोज हो जाएगा। अकाउंट, अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट खरीद रखा है, आपका लाइसेंस वर्जन है, तो यहाँ पे अकाउंट चेक कर सकते हैं ताकि वन ड्राइव वगैरह आपसे कनेक्टेड हो, ठीक है। देन आपको ऐसा लगता है कोई फीचर्स यहाँ पे डिसेबल, कोई फीचर यहाँ पे डिसेबल है तो आप इसके अंदर वो आप डाल सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट को। और तीसरा अगला ऑप्शन आता है ऑप्शंस। अब यहाँ भी ऑप्शंस पढ़ाने से ही कुछ बच्चे मुझसे सवाल पूछ देते हैं कि सर मेरी पहले दिन पहली या दूसरी क्लास ही है यहाँ, आप मुझे एक्सेल की सेटिंग पढ़ा रहे हैं। देखिए मेरा मानना है मेरा ऐसा मानना है कि जब भी हम कोई नई चीज लेते हैं तो उसको हम अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं, ठीक है। जैसे मोबाइल फोन ही लेते हैं, उसका रिंगटोन, उसका वॉलपेपर हम अपने अकॉर्डिंग से सेट करते हैं। फेसबुक क्लिक किया तो उसका स्टेटस तो बाय डिफॉल्ट होता है, भी अपना स्टेटस वगैरह लगाते हैं, तो अपने वर्क एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग एक्सेल को सेट करेंगे। लेकिन इसके बारे में आज आपको नहीं कल सिखाएंगे क्योंकि ज्यादा हो जाएगा सर, क्योंकि सीखना ही नहीं सर, आपको ऑब्जॉर्व भी तो करना है, ठीक है। और दूसरा हम आपको बता रहे थे कि हमारा एक ऐप लॉन्च हुआ है सर, मोबाइल ऐप एरा, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्लासेस तो आपकी चली रही है, साथ में आपको इसके अंदर में बहुत सारे नोटिफिकेशंस एंड वीडियोज आएंगे और कुछ पेड कोर्सेज भी हैं, वीडियोज पेड कोर्सेज, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये लिंक हम आपको इस पे भेज, व्हाट्सएप पे भेजते हैं, चलेगा ठीक है, व्हाट्सएप पे आपको भेज देते हैं, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं सर कल सेम टाइम, यस सर, चलेगा, नो प्रॉब्लम। टाइमिंग मैंने आपके लिए बुक कर दिया है सर, यस सर, नो प्रॉब्लम। और एक बात थी सुजी जी, आपका जो फीस का है ना, तो अभी पहले मेरे को कितना करना पड़ेगा आपको फीस? मैं सोच रहा हूँ आपको 10,000 कर दूँ, चलेगा?
देखिए पैसे की प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेरे लिए पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप नहीं कर कर, ठीक है, अगर आपकी प्रॉब्लम है तो 10,000 कर दीजिए, लेकिन जनरली हम लोग फुल पेमेंट लेते हैं, बट नो मेंटल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम देखो आप हाँ, जितना मर्जी उतना पे कर सकते नहीं फुल भी कर देता हूँ, लेकिन हम मेरा प्रॉब्लम क्या मालूम है क्या, मैं हैं। आपको ये 25th को कर पाऊंगा, क्योंकि हमारा क्या चल रहा है थोड़ा सा भी, दो दो महीने के बाद में कोई सैलरी चल बात रहा नहीं, है। मैंने बताया तो आपको कि मेरे लिए पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप हाँ इम्पोर्टेंट, नहीं ठीक है, जस्ट पैसा क्या इसलिए लेते हैं कि मेरे हमें, पैसा इसलिए लेते हैं क्योंकि आपको पढ़ने में मन लगे, हमको पढ़ाने में मन लगे। को बनने नहीं बना, अभी क्या है कि मैं आपका भी कमिटमेंट है तो मेरा भी कमिटमेंट करना चाहिए ना जी हाँ जी हाँ जी, इसे। तो जितना आपके पास है, जितना आप पॉसिबल है आप पे कर दीजिए, ठीक है। तो 25th को मैं पूरा ही कर देता हूँ आपको, थोड़ा एक वेट कर लीजिए, एक दस ट्वेंटी दस फिफ्थ बारह सर दिन प्रॉब्लम है कि मैं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है बैच टाइमिंग, क्योंकि मेरा सिस्टम जैसे ही मतलब कि कोई और 6:30 का टाइम मांगेगा, मेरा सिस्टम उसको दे देगा, क्योंकि ये जब तक पेमेंट नहीं करते तब तक आपके लिए स्लॉट बुक नहीं होता है सर। अच्छा, ठीक है चलेगा, फिर तो अगर मैं आप करता पेमेंट हूँ। 10,000 करना चाहते हैं तो कर दीजिएगा, तो उससे क्या होगा कि आपकी स्लॉट बुक हो जाएगी, बाकी जो 5,000 बचता है 25th को नहीं, अगले महीने कर दीजिए, 2 महीने बाद कर दीजिए, ठीक ठीक है चलो, है। मैं करता हूँ, मैं करवाता हूँ फिर आपको, ठीक है। मैं आपको ओके एक 2 दिन में करवा देता हूँ आपको, बस कल नहीं तो परसों में मैं करवा कोई दूंगा, बात नहीं, टेक टाइम, थैंक ठीक है। यू। ओके चलो, ओके, थैंक यू वेरी मच।